हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने डोर्स के नीचे जो है एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं, जिससे जो है रात के समय आपके कार्स को जो है एक एक्स्ट्रा लाइट और आपकी कार्स का जो लुक है वो थोड़ा एनहेंस होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स की जो है इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में जो हमें टूल चाहिए होंगे वो है हमारा वायर स्ट्रिपर, कुछ इलेक्ट्रिक टेप्स, वायर कटर, उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर लाइटर। अगर आपको सोल्डरिंग आता है तो आप इन दोनों की जगह जो है सोल्डरिंग यूज़ कर सकते हैं, और हमारी जो है कुछ वायरें। तो वायर्स जो है डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी डोर से लेके बटन तक का डिस्टेंस है, तो आप उसको देख के ही वायर्स ख़रीदें। उसके बाद जो हमारा सबसे फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो है हमारा एलईडी स्ट्रिप। एलईडी स्ट्रिप जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ख़रीद सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है कुछ लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उन्हें देख सकते हैं। टूल वगैरह को जानने के बाद जो है अब हम देख लेते हैं कि हमारा वायरिंग डायग्राम कैसा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो है मैं आपको एक बार वायरिंग डायग्राम समझा देता हूं। तो ये तो जो है हमारा पुश बटन हो गया, जहां से हम एक वायर जाएगी हमारी और एलईडी बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगी। उसके बाद जो है ये हमारा बैटरी है, बैटरी से जो पावर वायर आएगी वो हमारे जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होगी। तो पुश बटन जो है हमारा, जो हमारा डोर के जो बटन्स होते हैं हम उसको यूज़ करेंगे, और जो हम बैटरी की जो वायर है वो जो है हम अपने इग्निशन की के वायरिंग हार्डनेसेस से जो है वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ है हमारा वायरिंग डायग्राम। अब हम देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो जो सबसे पहले हम बटन का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारे ये वाला बटन है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी डोम लाइट है जो हमारे कार के कैबिन के अंदर होती है वो जो है इस डोर को बंद दबाने से बंद हो जाती है। तो हम जो है इसी पुश बटन का जो है यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जब हम गेट बंद रखेंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइट जो है तब भी ऑन रहे और हमारे पावर कंज्यूम होती रहे। इसलिए जो है जब हमारा डोर ऑन होगा तभी जो है हमारी जो डोर के नीचे की लाइट्स हैं वो सिर्फ ऑन होंगी। तो इस स्विच को जो एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक ही वे है, वो है हमारा ये जो पीछे का जो पैनल आप देख सकते हैं इधर जो है ये। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको आप ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो इनमें जो है क्लिप्स होती हैं, वो क्लिप्स जो हैं पूरी बाहर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का पूरा पैनल था ये जो है मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब जो है इस स्विच की जो वायर्स हैं वो यहाँ पे जो है इससे कुछ काम करती हैं। तो अब हमें वायरिंग डायग्राम के हिसाब से जो है सबसे पहले हमें इसके अंदर पहले वायरिंग करेंगे, फिर जो है हमारी वायरिंग जो है हमारे इसके यहाँ से क्रॉस करते हुए जो है पूरा आगे तक जाएगी। अभी जो है हमने जो अपनी एक तरफ की जो वायरिंग है, मतलब जो हमारे स्विच से जो वायरिंग है उसको जो है हमने पूरी कर लिया। अब जो है हमारी जो ये रेड वाली वायर है, ये जो पॉजिटिव वायर है, ये जो है हमारे इग्निशन स्विच, जो अगर ये हमारा इग्निशन स्विच है इससे जो इसमें जो पावर की बैटरी के पावर की जो वायर है वहाँ से हम इसको पावर देंगे और फिर जो है इसी कनेक्शन को हम पूरा करेंगे। तो इग्निशन स्विच को एक्सेस करने के लिए जो है हमें जो है ये अपना ये जो नीचे का कंपार्टमेंट है ये पूरा हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ कुछ होल्स हैं, इनके अंदर के जो बोल्ट्स हैं हमें वो निकालने होंगे, और उसके बाद जो है हमें इन कंपार्टमेंट्स को ओपन करके जो है हमें इग्निशन जो स्विच है उसको एक्सेस करना होगा। हमारा जो इग्निशन स्विच है वो कुछ इस तरीके का लगता है। उसके पीछे जो हमारा ये हार्नेस कनेक्टेड है उसके अंदर आप देख सकते हैं जो ये मोटे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो सिर्फ 6 ही हैं। तो इन 6 वायर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वायर्स होती हैं, और जो हमें जो काटनी है वो है हमारी ये रेड वाली वायर जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है। तो हमें जो है ये जो रेड वाली वायर है इसको जो है मैंने यहाँ पर पहले ही काट रखा है अपने पिछली वीडियो में जो मैंने काटा था, जिसमें जो है मैंने ऑटोमेटिक इग्निशन स्विच इंस्टॉल किया था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उसमें जो है पूरा आपको प्रोसेस बताया कि आप इसको कैसे काटना है, क्या करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसी वायर से जो है अब मैं जो है एक और वायर एक्सटेंड करूँगा, ताकि जो है उस वायर को जो है मैं अपने एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर सकूँ, जिससे जो है हमें पावर मिल सके। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो वायरिंग है वो मैंने यहाँ पे पूरी कर दी है, पर इसको ढंग से अभी मैंने मतलब अभी मैं कोई भी पार्ट को जो है
वो टेप नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं टेस्ट करूँगा कि जो मैं ये पूरी वायरिंग है वो ढंग से काम करे। देख सकते हैं जो हमारी ब्लू वाली वायर है वो ये रही, और उसको जो है थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए जो है मैंने उसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करी है, और ये वाली वायर जो है हमारे रेड पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगी, जो कि जो है हमारा पावर सप्लाई करेगी हमारे एलईडी बल्ब को। आपको जो है अपनी जो रेड वायर है उसके अंदर जो है कि ऐसा छोटा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो एक एक्सटेंडेबल वायर होगी जो हमारे इग्निशन मेन इग्निशन से कनेक्ट होगी। उसके बाद जो है हमारे जो इसके ये दो पोर्शंस हैं ये जो है हमारे एलईडी बल्ब में जाएंगे और ये जो है हमारी पावर में काम आएगी। हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारा ब्लैक वाली जो वायर है हमने स्विच से कनेक्ट कर दी, और जो हमारी रेड वाली वायर है उसको जो है हमने अपने पावर सोर्स से जो है कनेक्ट कर दी। अब जो ये दो वायर है जो ये दोनों वायर हैं अब इनको जो है हमें बस अपने एलईडी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और उसके बाद हमें चेक करना है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी जो है मैंने ये जो दो मेन वायर्स थी उनको काट लिया है, और ये वायर जो है मेरे इस एलईडी की है उसको भी मैंने काट लिया। अब जो है हम इन दोनों को पहले वायर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं, फिर जो है उसके बाद हम इसको अपने डोर के नीचे लगाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना है। तो ये तो है अभी जो है मैंने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लिया, ये मेरी एलईडी स्ट्रिप की जो छोटी वायर्स हैं ये, और ये जो है मैंने मेन कंपोनेंट के साथ जो वायरिंग है उनके साथ कर लिया। अब इनको हम टेस्ट करके देखते हैं, अगर मैंने अपना डोर ओपन किया अगर ये जल गए तब तो हमारे एलईडी जो कनेक्शन है वो काम कर रहा है, अगर नहीं जले तो जो है हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो जैसे ही हमने अपना गेट ओपन किया तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट यहाँ पे जल रही है, और जैसे ही हमने बंद किया तो जो हमारा लाइट है वो हमारा ऑफ हो गया। तो अब जो है हमें पता है कि हमारा जो स्विच है और जो हमारा सर्किट है वो ढंग से काम कर रहा है। अब जो है हमें बस इस लाइट को जो है अपने डोर के नीचे लगाना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसको डोर के नीचे कैसे लगाना है। वायर्स को डोर तक ले जाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो ये होल दिख रहा है इसके अंदर से जो आपको अपनी वायर पास करनी है वो जो है आपकी कार के दूसरी एंड, मतलब जो आपका आपकी जो ये गेट है इस तरफ जो है वो वायर इधर जो है आपको आके मिल जाएगी। तो इधर से आपको वायर डालनी है और इधर से जो है आपको ये डोर के अंदर जो यहाँ पे वह है इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके जो है इसको डोर के अंदर यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने इधर की जितनी भी वायरिंग जो है डोर के नीचे से होती हुई जो इधर आ रही है उन सारी वायरों को जो है टेप कर दिया। अब कुछ वायरिंग बची है, जो ये बची है इसको मैं बताऊंगा कि मैंने इसको अभी तक ऐसे क्यों रखा हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम इस एलईडी को जो है वो गेट के नीचे कैसे लगाना है। तो इसको गेट के नीचे लगाने के लिए जो है हम जो है ये डबल साइडेड के जो ये डबल साइड टेप्स जो है इनका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ये प्रॉपरली जो है यहाँ पे लग सके। तो अभी जो है हमारी एक तरफ की जो है पूरी वायरिंग हो चुकी है और हमारा जो एलईडी है वो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो है हम दूसरी तरफ की जो एलईडी है, मतलब दूसरे डोर की जो एलईडीज हैं उनको कनेक्ट करेंगे। तो वो देख लेते हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है। जैसा आप लोगों को पता है कि अब मैंने जो है डोर्स के अंदर जितनी भी वायर्स जा रही थी उन सबको जो है टेप कर दिया, लेकिन जो है इन दोनों को, ये जो दो वायर्स हैं इनको जो है अभी तक वैसे ही छोड़ा है, क्योंकि अब जो है क्या करना है हमें कि ये जो हमारी पावर सोर्स वाली जो ये जो वायर है इससे जो है हम एक वायर एक्सटेंड करेंगे जो हमारे फ्लोर मैट के नीचे से होता हुआ जो है दूसरी तरफ जाएगा, और उधर जो है हम सेम इस एलईडी को जो है कनेक्ट करेंगे इसी सीक्वेंस में जिसमें जो है हमने जो है रेड और ब्लैक को कनेक्ट किया है। तो अब जो है हमने जो है ये वाली वायर जो है कनेक्ट कर दी है जो इधर से होते हुए जो है दूसरी तरफ जा रही है। जहाँ अभी जो है मैं इनको प्लेस करना ही बताऊंगा आपको कि कैसे जो है आप इसको एक बिल्कुल टाइडी वे में जो है रख सकते हैं ताकि जो आप ड्राइविंग करें तो आपको जो है कोई तकलीफ ना आए। तो अभी जो है ये वायर जो है हमारे दूसरी तरफ जा रही है जो हमारी दोबारा एक पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगी, और ब्लैक वाली वायर जो है दूसरे डोर के जो स्विच है, मतलब जो दूसरा डोर का जो हमारा स्विच बटन है उससे कनेक्ट होने वाला है।
तो ये जो है वो वायर है जो इस तरफ से जो है उसके पावर सोर्स से जो है अब इधर की तरफ आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक ब्लैक एंड रेड वायर लेनी है, वही ब्लैक ब्लैक वायर को जो है अपने स्विच से कनेक्ट करना है, रेड वायर को जो है इस वायर से कनेक्ट करना है, और फिर आगे जो है आपको सेम कनेक्शन को जो है रिपीट करना है, और उसी तरीके से जो है दूसरी डोर पे भी जो है उसी तरीके से जो है इस एलईडी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमने दूसरी तरफ की जो डोर है उसमें जो है अपने ब्लैक वायर अटैच कर दिए जो हमारे स्विच की तरह काम करेगी। अब जो है हमें जो ये हमारी मेन जो पावर सोर्स जो थी हमने जो दूसरी साइड तरफ से मल ली थी उसको जो है हम इस तरफ की जो रेड वायर है उसके साथ अब इसको जो है अटैच करेंगे। अभी जो है हमने जो है अपने पावर सोर्स को जो है इन दोनों वायर के रेड मतलब पॉजिटिव वायर के साथ जो है कनेक्ट कर दिए। अब जो है हमें अपनी एलईडी को इसके साथ कनेक्ट करनी है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और देखना है कि उसके बाद ये वर्क करती है कि नहीं। अब जो है हमने अपनी पूरी वायरिंग जो है कंप्लीट कर ली है। ये हमारी जो वायर है वो हमारी पावर से आ रही है, उसके बाद ये जो है हमारी जो हमारी लाइट को जा रही है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपने गेट को ओपन करेंगे तो आपको जो है एक लाइट दिखाई देगी, और जैसे ही हम बंद करेंगे ये बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप अपने दोनों तरफ के जो गेट्स हैं उन पर जो है अपनी LEDs को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इन वायर्स को जो है आपको प्लेस कैसे करना है ताकि जो ये जो है अपनी कार के अंदर थोड़े नीट एंड टाइडी लगें, और जिससे जो है आपको ड्राइविंग करते वक्त भी जो है कोई तकलीफ ना आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी वायर्स थी वो अब कोई भी जो वायर है वो बाहर नहीं है, अंदर भी कोई वायर जो है वो बाहर नहीं है, कोई भी आपके पैर में नहीं लगने की। तो मैंने क्या किया, ये जो ये कंपार्टमेंट है ये वाला, इसके अंदर से वायर होते हुए जो इसके स्विचेस हैं, जो स्विच है इसका, इसके पीछे से है इस सारी वायरों को जो है हाइड कर दिया है। बस जो वायर्स जो बाहर हैं वो ये वाली जो है थोड़ी सी बाहर है, ये कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले, आप इनको ऐसे बाहर छोड़ सकते हैं। कोई वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें इस अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।